नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आज का जागोरे देश के उन अन्नदाताओं के दर्द को बयां कर रहा है जो अपनी ही जिंदगी में अपने ही हाथों बदहाली का बीज बो चुके हैं। जी हां, किसान के आंसू जो कभी सींचते थे फसलों को, अब उनकी आंखों से बह रहे हैं खून की बूंद बनकर। का किसान पारंपरिक फसल छोड़ रहा है, वो अपनी जिंदगी के पटल पर रतन जोत बो चुका है। आज हम उकेरेंगे उन किसानों की बदहाल जिंदगी को जिन्होंने अपनी जमीन भी गंवाई और मुआवजे के रूप में आए पैसे से भी हाथ धो बैठे। इस जमीन पर कभी लहलहाते खेत हुआ करते थे। इस जमीन पर उगने वाली फसल से कई परिवारों का पेट पलता था। लेकिन अब यहां सीमेंट के खंभे हैं, जिस जमीन से किसानों की कई पीढ़ियां पल गईं, उस जमीन से किसानों को एक मुश्त मुआवजे की राशि देकर हमेशा के लिए बेदखल किया गया। मुद्दा ये नहीं है कि सरकार, कॉरपोरेट और किसान में कौन सही कौन गलत, दोष किसका है, बल्कि हम बात कर रहे हैं कि जमीन खोने वाले किसानों ने मुआवजे की रकम से जिंदगी सजोई या फिर अपना सब कुछ लुटा बैठे। दरअसल मुश्किल ये है कि किसान खेती के अलावा कुछ और करना नहीं जानते। उनके हाथ आया पैसा तेज बारिश की तरह होता है। मुआवजे की रकम गाड़ी, कोठी और असलहों की खरीद में खप चुकी होती है और जब किसान के हाथ खाली होते हैं तब उसे याद आती है अपनी वो पुश्तैनी जमीन जिसने पीढ़ियों तक उनके कुनबे को रोटी और इज्जत बख्शी चुकी होती है और जब किसान के हाथ खाली होते हैं तब उसे याद आती है अपनी वो पुश्तैनी जमीन जिसने पीढ़ियों तक उनके कुनबे को रोटी और इज्जत बख्शी। अब किसान किसान नहीं रहा। धरती माँ के नाम की तिलक लगाने वाला किसान आंसुओं के घूंट पी रहा है। देश के कई हिस्सों में आलम एक जैसा है। कई कॉरपोरेट ग्रुप और सरकारें मिलकर विकास के नाम पर योजनाएं चलाती हैं और जमीन से बेदखल किसान होता है। सरकारें दावा करती हैं कि ये जनहित का काम है, पर विडंबना ये है कि जनता को पता ही नहीं होता ये कौन सा जनहित है जो उसके ही हित के खिलाफ है। इसी मुद्दे को लेकर हर अधिग्रहण पर टकराव हुआ है। कई परिवारों को जबरन करोड़पति बना दिया गया, लेकिन किसान मन महसूस कर रह जाता है। नोटों की गड्डियां जब उड़ जाती हैं, तो वो कैसे तिल तिल कर मरता है। तस्वीरें आप भी देखिए, ये हैं शीला देवी। इस बड़ी सी कोठी
जगह बनाई है, भैंस लई है, और अब जा दिन से पैसा मिल जाओ परेशान है, बीमार हो रहे हैं, बीमारी में लग रहो, अब कोई पैसा नहीं है। हम पहले ही बढ़िया है, तो जब मुआवजा ना मिले और जमीन है तो वो भाई अब कुछ नहीं है पास। गाड़ी खरीदी है, कोठी बना ली, अब तो परेशान है, अब पैसा नहीं धो रहा तो फिर बालक ने कहा तो पढ़ावे। शीला का बेटा अजय भाटी कुछ और काम करना ना हुआ देखकर थका हुआ महसूस कर रहा है। रोना आता है उसको देख के, अब देखते हैं उसको, अब चली गई है, माता थी हमारी, है इसके अलावा क्या करें, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, पढ़े नहीं इतने जो और कुछ काम को कर लें, या पैसा नहीं, जो पैसा था वो सब खत्म हो चुका है, इधर उधर करने में तो बहुत थोड़ा पैसा मिला था, इतनी महंगी जमीन उन्होंने हमारी मंदी जमीन ली है और बहुत मोटे पैसे में अपने आप उन्होंने बेची, अब उसको देखते हैं करते हैं तो उसको देख के रोना आता है हमको, हमारी जमीन हमको वापिस चाहिए।